अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि जैसी हमें मौका मिलेगा किसी ना किसी सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर पे। आज मुझे जाना है वैसे इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जो ऑफ स्क्रीन गुफ्तगू होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो अब चलते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर पर। अब अगली मुलाकात हमारी और आपकी वहीं पर ही होगी। तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त सरबरा तंजीम एमक्यूएम पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर पर पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बस आपसे मिलने के लिए आए थे और इंटरव्यू करने के लिए आए थे। हमने कहा आपसे आज इंटरव्यू कर लिया जाए। आइए फारूक भाई। फारूक भाई तैयार हैं आप इंटरव्यू के लिए? मतलब मैं कोई पहले से तैयारी करता नहीं, आप मुझे सोते से जगाएंगे, उठाएंगे और कहेंगे इंटरव्यू दे। मैं वैसे नहीं, ये बात वैसे हकीकत है, मैंने फारूक भाई से एक दो दफ़ा पहले भी इंटरव्यू किया है। मैंने इसे पूछा था कि फारूक भाई मैं आपको सवाल पहले बता दूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, जो आपको सवाल पूछने आप वो कर लीजिएगा। तो फारूक भाई तैयार है, इंटरव्यू हम शुरू करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। स्टॉप कर दो जी। फारूक भाई तो ये बताएं, इंटरव्यू हमारा और आपका कैसा रहा? मेरे ख्याल में देखने वाले बताएं तो ज़्यादा बेहतर, उनकी राय की अहमियत है। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं कौन कौन से ऐसे एंकर हैं जब वो आपके पास इंटरव्यू करने आते हैं या आप जब जाते हैं तो आप थोड़ा तैयारी करके जाते हैं? मेरे अलावा बताइएगा कौन कौन से एंकर से आप जरा संभल के बात करते हैं? नहीं, पॉलिटिकल इंटरव्यू के कोई भी एंकर हो तो वो मैं मुझे सोते से जगा कि भी आपका इंटरव्यू दे, इंटरव्यू दे। लेकिन हाँ, अगर कोई जैसे शारजा या दुबई में क्रिकेट मैच एशिया कप हो रहा है और उसके किसी प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ जो बड़ा हल्का फुल्का प्रोग्राम होता है, सही, तो मतलब इतनी मालूम करके मैं जाता हूँ। क्रिकेट से मेरा शगफ रहा है कि क्रिकेट की टीम में मतलब ये फवाद, बाबर आजम है, फवाद है, और वो जो एक जो शाहीन अफरीदी जो जिनकी लैग इंजरी है जो नहीं खेल रहा, ये मालूम होना चाहिए कि वो नहीं खेल रहा, उसकी जगह हसन आलम को बुलाया है। तो ये उसकी अपडेट भी रखनी पड़ती है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी मैं फॉलो कर लेता हूँ महंगाई, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन प्ले, अगर ये तो खैर एशिया कप है, इंडिया की टीम में कौन है, सही, और विराट कोहली है, विराट कोहली है नहीं है, तो ये सारी बातें सही। वैसे हमने देखा अभी कि जो एशिया कप जो हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, महंगाई में लोग इतने बेचारे फिस गए कि किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, पाकिस्तान हार गया, किसी को परवाह ही नहीं हुई। अच्छा फारूक भाई, सियासी गुफ्तगू तो हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले की है, निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएं कौन कौन है आपके साथ? देख, मेरे साथ मेरी वालदा का इंतकाल हो गया आपको पता है कुछ माह पहले, तो बस मैं और अफशा हैं। सही, क्योंकि हमारी दो बेटियां अपने मामुओं के पास अमेरिका में, और पढ़ाई के दौरान वो डोम में ही रहती हैं, जिसमें ये तीन लड़कियां जो है मिलके वो एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, और मेरे सालों ने और मेरी बेटियों के मामुओं ने उन्हें वहाँ पाला, सही, पाला पोसा, बड़ा किया वहाँ पर। और बड़ी की फिर हमने शादी की, जो उसका होने वाला जो शौहर था, जो बाद में शादी हो गई, वो उसको कराची, उसको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिला, सही, और मेरे पास वो अमरीका वीज़ा है, तो हमने दुबई में 15 फैमिलीज को बुला के बहुत सादगी के साथ शादी कर दी। तो बच्चों वो पीएचडी में फिजिक्स में पीएचडी मेरी बड़ी बेटी, और छोटी वाली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग में उसने बैचलर्स किया। अच्छा, हमने तो देखा जितने भी सियासतदान होते हैं अपने बच्चों को सियासत में जरूर लाते हैं, तो आपके बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था या आपने नहीं सोचा सियासत में लाने का? नहीं, देखें हमारे यहाँ तो वैसे भी मौरूसी सियासत का तसव्वुर नहीं कि मेरी कोई अंपायर है, मेरा राजवाड़ा है, मेरी कोई जागीर है और उसमें मेरा नाम है और मेरे बच्चों को इस लेगेसी को आगे बढ़ाना अपना, हमारा तो हिसाब किताब यह है नहीं। ये तो शायद दही इलाकों में ज़्यादा है, और या पंजाब के दही इलाके या सिंध के दही इलाकों में सरदार जहाँ होते हैं, चौधरी होते हैं, जहाँ अंदरून सिंध के वडेरे होते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हाँ, उनमें से किसी की मर्जी होगी, कोई आना चाहेंगे तो ज़रूर है, लेकिन जब वो पढ़े ज़्यादा बाहरी पढ़ा लिखा उन्होंने तो फिर वो प्रोफेशनली उसमें किसी फील्ड में जाएंगे। लेकिन मेरी बड़ी बेटी की खूबी, उसको यहाँ के हालात का सब मालूम है, तो अच्छी बात, उसने नज़र रखी हुई सारी, और सियासत में उसके मेरे व्यूज़ बड़े जैसे, हालांकि मैंने उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं की। हाँ, मैं जब भी अमरीका जाता हूँ उसके साथ मेरा बहुत अच्छा, जब वो आते हैं तो हम लोग साथ रहते हैं, हमारा क्वालिटी टाइम, हमारी वेकेशन यही हॉलीडे ही कि हम बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा, दूसरी वाइफ मेरी शाहिदा हैं जो कि इस्लामाबाद में जी अपने सिस्टर के साथ होती हैं, वहाँ उनके बच्चे जो पहले हस्बैंड से बच्चे थे ना,
वो वहाँ पढ़े ज़्यादा इस्लामत, इसलिए उन्हें वहाँ बेस होना सही। तो वो जब मैं जाता हूँ तो कुछ वक्त मेरे साथ होती है, बाकी अपने बच्चों के साथ होती है। अच्छा, दोनों भाभियों के साथ आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? वहाँ उनके जो बच्चे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं बिल्कुल। और उसमें एक टेनिस चैंपियन, एक बेटी, अच्छा दो बेटे, एक ने दो PhD की, तीसरी कर रहा है, और एक जो है उसने MPhil किया, अभी PhD कर रहा है, तो वो कैनेडा में। दोनों भाभियों को आप कैसे टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, किससे कभी आपस में दोनों भाभियों के अंदर कोई नोक झोंक हुई है? शाह और नादिर ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने आ गई, वरना ऐसा हुआ नहीं। सही। अच्छा, एक में शायद सब्र ज़्यादा है तो उसने दूसरी को बर्दाश्त कर लिया। सही। खत्म। अच्छा, मतलब मैं मतलब पॉलिटिक्स को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। आप सही कह, तो अगर पॉलिटिक्स को मैनेज करें तो बढ़िया, आसान है इसका मतलब ये मैनेज नहीं कर रहा बच्चों को। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं कि हॉबीज क्या आपकी, अक्सर फारूक जब आप होते हैं क्या करते ज़्यादातर? देखें, शायरों को पढ़ लेना, किताबें पढ़ लेना, मूवीज वगैरह देखते हैं, लेकिन असल तो मूवीज देखना, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, इवन कलाची वुड है कराची, उसकी भी जब मूवीज आ रही है अच्छी बन रही है। कौन सा पसंदीदा एक्टर है आपका? पसंदीदा एक्टर ओवरऑल तो देखें, पुराने में अगर देखें तो सारे दिलीप कुमार था, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, और पाकिस्तान में मोहम्मद अली साहब थे, उनका अपना एक नदीम ऑल टाइम एवरग्रीन माशाल्लाह उनका है। और नए में भी अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गुनगुनाते नहीं आप? अब गुनगुनाता अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, कभी सुना ही नहीं किसी को। अच्छा, आपने मेम्स वगैरह आप देखते हैं सर? आपके ऊपर भी काफी मेम्स वगैरह बनते हैं। आपने जो एक वो शेर आपका चला था कि जमाने से जो आपने पढ़ते हैं अक्सर आप, कॉमेडी मिक्स सीरियस प्रोग्राम था वहाँ, देखने वाले जरूर आपसे सुनना जरूर चाहेंगे, उनके लिए बना तो वो एक इंडिया का टिकटॉकर है जिसके 4 करोड़ फॉलोअर, मैंने भी देखा था, उसने बनाया था ये, उसने बनाया था ये। तो क्या था वो, सुनाया आप जरा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा फारूक, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, अक्सर हमारा भी जब रिजल्ट कभी खराब आता था स्कूल कॉलेज के अंदर, हमें भी अफसोस होता था। आप जब ये इंतखाबात हो रहे थे, देख रहे होंगे कि वोट कम तो हम नहीं कह सकते, जैसे दूसरी पार्टी जीत गई, तो क्या फील होता है उस टाइम? आपको लगता है मीडिया वाले आएंगे सवाल? पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर वाजे हो गया कि मेरे पास पोलिंग एजेंट आधे थे, आधी जगह थे ही नहीं, तो वहाँ इस तरह के प्रिजाइडिंग अफसर थे जिन्होंने दोनों नंबर 1 और नंबर 2 जो उम्मीदवार थे उनको, उनके लिए खूब उनकी खातिर मदारत की और तवाज़ो की और उनके वोट खूब बढ़ाए, तो इसलिए एक तो ये फ़र्क ज़्यादा हो गया, वरना ऐसा फ़र्क नहीं था। दूसरी बात ये थी कि मैंने जैसी कैंपेन चलाई थी, यानी पर्चा मेरा अच्छा हुआ था सबसे ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट मेरा ख़राब आया। तो अब ये कभी कभी होता है कि पर्चा अच्छा और ख़राब आए, तो इसका मतलब चेक करने वाले असाज़ा, चेक करने वाले असाज़ा थे उनमें कहीं गड़बड़ थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए डाउन होगा, पर मैं ये स्कूल तो नहीं कि भाई मैं डाउन हो गया, मेरे पेरेंट्स डाउन हो गए, लेकिन यहाँ तो मैं डाउन होगा तो मेरे फॉलोअर्स डाउन, मेरे पोलिंग एजेंट डाउन, मेरे काम। मैं आया और आते ही मैंने हंसना मजाक शुरू कर दिया और अगले दिन मैं खड़ा हो गया था। इंसान को ऐसी और कभी भी और चौथे दिन मैंने अतियात जमा किए, चौथे दिन अतियात जमा किए और पांचवें दिन मैं कंडियारों में था। सही। तो कोई सियासतदान कराची से अंदरून नसीन सैलाबशुदा इलाकों में नहीं पहुंचा, सबसे पहले मैं पहुंचा। एक इलेक्शन हराए जाने के बाद इतनी जल्दी कोई आदमी खड़ा होकर पहुँच सकता है? ये सब्र, इस्तकामत, रेजिलियंस, ये अल्लाह ताला ने आसाब जो कि मजबूती अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह ताला कायम रखे, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, और बस लोगों की जो मोहब्बत है उसका मैं पास कर सकूँ, और जो उन्होंने मुझे इज्जत और एहतराम दिया मैं उसका पास कर सकूँ। सही। दोस्तों, हम फारूक सत्तार साहब का पहले ही बहुत टाइम ले चुके हैं, इंटरव्यू हमने किया, अब हम खास तौर पर व्लॉग बनाना था मुझे, इसीलिए मैंने इनसे अभी बातचीत कर रहा हूँ। तो अब हम फारूक सत्तार साहब से इजाज़त चाहेंगे। फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो दोस्तों, अभी मैं इस व्लॉग का भी इख्तिताम करता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले व्लॉग में एक नए मेहमान के साथ या एक नई जगह पर आपको वो दिखाऊंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।